राम राम जी। और क्या मजा आ रही है, आमिर एक वैसी वक्त कर पाए हैं। पहुंच गया छठे पे, पहाड़ी पहाड़ है हर जगह। इसका नाम है चीनो इके जिगोकू। जिगोकू मतलब हेल, नरक। ये लाल है पूरा, जैसे अभी छोटे छोटे देखे थे ना लाल, ये ज़्यादा बड़ा है। ये भी दुकान लग रही है, वो मिल रहे थे बाथ सॉल्ट, नहीं रहते बाथ टब में डाल के नहाने वाले, स्पेशल है यहाँ पे। और रेस्टोरेंट भी है उधर। भूख लग रही है यार, तेरी ये रहा भाई, अद्भुत अविश्वसनीय प्रतिष्ठा प्रशासन। इसका लिख रखा है ये 90 फीट गहरा है, इसमें जो जिसको तैरना नहीं आता वो जंप लगाएगा, वो जल के पहले मरेगा या डूब के पहले मरेगा। इसका टेम्परेचर है 78 डिग्री। लिख रखा है कीप आउट, इसमें भी बताने की जरूरत पड़ रही है कि भैया इससे दूर रहो, कोई होगा मस्त कलंदर जंप लगा गया होगा एक बार, नहीं तो इतनी तो सबको पता ही रहती है, कोई बालक छोटी है। ये वही पैर डाल के बैठने वाला, मैं अपना बैग बाहर ही छोड़ आया यार, तो तौलिया बैग के अंदर ही है। अरे ये संबंध भी नहीं है, लास्ट वाले में पैर डाल के बैठ जाऊंगा तसल्ली से ना, इसमें जूते उतार के बैठो फिर वापस जूते पहनो, तौलिये से पैर पूछो, आप अच्छी रहती है। अब लास्ट चलते हैं साथ में, उसमें बैठूंगा पैर डुबा के तसल्ली से। अब खाना वाना भी खाना है और रात को रुकने की जगह भी देखनी है, कैंप नहीं करूंगा आज बेटे, कल रात को बहुत ठंड लगी थी यार। आज मुझे अपने स्कूल की दो चार मीटिंग वीटिंग सी भी करनी है, तो आज तो ढंग की जगह वाईफाई वगैरह होगा ना, वहां रुकना आज तो काम है ना। फिर नहा धो के फ्रेश होके बैठना भाई मीटिंग में, ऐसे काम नहीं चलेगा, वर्क इज वर्क। पर उसके साथ में जस्ट ही एक वो भी है एक्वेरियम सा बड़ा है, मतलब अलग अलग तरह की मछलियाँ रख रखी हैं उसमें, बढ़िया सा है, फ्री है। GoPro की बैटरी बोल गई, पावर बैंक में लगा के चलता हूँ दूसरे वाले में। सातवा वाला तो बस उसके साथ में ही है, ये रहा, तौलिया निकाल लेता हूँ, उससे बैठूंगा तसल्ली से पैर डाल के। अरे इसमें से तो नीचे से पानी उबलता है और उछल रहा है, हर 10-15 मिनट में उछलता है पानी। ये केड़ा सिस्टम है यार, बहुत खतरनाक सा। इसका टेम्परेचर 105 डिग्री है, जितने भी साथ देखे ना सबसे ज़्यादा गर्म है ये। पर अरे मैं तो तौलिया वौलिया लेके आया था, गर्म पानी में पैर डाल के बैठूंगा, इस वाले में गर्म पानी में पैर डाल के बैठने वाला सिस्टम ही नहीं है। कट गया बढ़िया, उनमें ही बैठ जाता है यार, इससे अच्छा तो तौलिया लेके घूम रहा हूँ अकेला ही। रुक गया अभी, हर आधे घंटे में नीचे से फुंकार छोड़ता पानी, गर्म पानी की धार। सही टाइम पे आ गया था, पहले मैं एकदम देख लिया मौके पे, पहले कितने लोग बैठे हुए थे, तो भाग गए सब, साफ गए। सोच लेता हूँ जगह, होटल वोटल ढूंढ लेता हूँ, इतने और क्या करना है। अरे यहाँ पे वो रेत में भी लोट आते हैं, वो भी जगह देखनी है। अब वहाँ रेत में लौटने जाना है, ये तो देख लिया, सही है यार, नीचे से खोलता हुआ पानी ऊपर तक, अगर इसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए, अब नीचे से गर्म पानी की बौछार, इसे कहते हैं 3rd degree टॉर्चर। जो भी रहते हैं ना ऑनसेन हॉट स्प्रिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में वही गर्म पानी का पॉन्ड सा,
ये जो बेपू नाम की जगह है ओइता प्रिफेक्चर में यहाँ पर सबसे फेमस है, क्यूशू में बहुत फेमस है ये जगह इस चीज के लिए। मिट्टी से में लौटा देते हैं, गर्म सी मिट्टी होती है, बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद ऑन से दो चीज करनी है, अभी तो टाइम भी बहुत है। आ गया यहाँ पीछे, यहाँ लौटाते हैं रेत में। अभी उसने बोला 3:30 बजे से शुरू होगा, मेरा नंबर लगे ना, मेरा 11 नंबर है, अभी चल रहा ऑलरेडी। पैर डाल के बैठने वाला, अभी इसमें बैठते हैं थोड़ी देर से। रेत वाला स्टार्ट हो रहा है। तो उस रेत से निकलने के बाद ये है ऑनसेन, इसमें सब बैठ के नहाते हैं, फिर मस्त कपड़े वपड़े उतार के। ये भी नेचुरल पानी का ही है। निकल गया वहाँ से तो, अरे उसने ना वीडियो नहीं बना दिया यार, वो कह रही नहीं वीडियो अलाउड नहीं है ये वो है। फिर कैमरा वैमरा लॉकर में रखवा दिया था, फिर होता जब मिट्टी में तुम्हें डाल देंगे पूरा अपने हाथ से, वो तुम्हारे फ़ोन लेके फोटो खींच के दे देगी। तो मैं फ़ोन में लेके नहीं गया था वहाँ पर, तो मुझे लगा था कैमरे से वीडियो बना लूँगा। वो होता है कि कोई दूसरा कस्टमर नहीं आना चाहिए तुम्हारे कैमरे में, वो बवाल हो जाता है कि भैया कौन कहाँ किसके साथ क्या कर रहा है, ये नेट पे डल गया तो फिर उसको पर्सनल दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ कानून वानून बता रही थी। तो मैंने कि ठीक है भैया, फिर मेरे गोप्रो से मैंने कि मेरी वीडियो बना दे, मुझे दिखा, किसी और को मत डाल, कोई दिक्कत नहीं है। कह रही ना फोटो तो फोटो, रूल इज रूल। तो मैंने कि ठीक है, तो फोटो ही ले ले यार। फिर इसने भी गोप्रो से फोटो ले ली मेरी। गरम गरम रेत, पीछे पीठ पीठ पूरी गरम लग रही थी, और छाती पे डाल दिया और बढ़िया तकिया सा बना दिया था रेत का ही भाई, बहुत आराम मिलता है और इतना रिलैक्स हुआ ना, नींद सी लग गई थी। और सामने समंदर है और ऊपर खुला आसमान, और गर्म रेत में लौटे वो तो खैर मैं दोस्त वोस्तों के साथ ऋषिकेश में हम आपस में ही कर लेते थे, पर यहाँ उसके 1500 येन लगे हैं। और तो अभी एक जापानी आ गया, मेरे को देख रहा कैमरे में, मैं बोल रहा हूँ तो कह रहा अरे तुम यूट्यूब बनाते हो? मैंने कहा हाँ कभी कभी बना लेता हूँ। कह रहा नहीं तुम्हें देखा है मैंने। मैंने कहा अरे तेरा क्या मतलब हमसे? कह रहा नहीं मैं इंडिया में जाता रहता हूँ, मैं गुड़गांव गया था, ऐसे वैसे बता रहा। अपना कार्ड वार्ड दे दिया उसने, फिर कह रहा मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया कर लियो। इसमें वैसे अगर दोस्त वो साथ हो तो चुपके से ले सकते हो वीडियो, पर वैसे तो उसने मना ही कर दी थी साहब, या पहले अलग से पैसे वैसे दे के स्पेशल परमिशन लो तब वीडियो बनाओ, ना तो भैया फिर फोटो से ही काम चलेगा। पर एक्सपीरियंस अच्छा था यार, मतलब एक बार तो करना चाहिए। पर अगर बात हो जाएगी क्या मैं दोबारा करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा। 1500 येन उसके सैंड बात के थे, और 300 येन का तौलिया मेरे पास था नहीं, तो वो कह रहे तौलिया बेकरी थी वो रिसेप्शन पे, तो 300 सवा 300 येन उसके लगे, तो 1800 येन हो गए टोटल। जो घुसते वक्त जो वीडियो बनाई थी उसमें से एक तो मेरा सब्सक्राइबर था, उसने कहा कि डाल दे हमारी वीडियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है तीनों की। तो मैंने कहा चल ठीक है डाल दूंगा। शिप खड़ी है, मैं शिप पे भी टूर मार रही पब्लिक, ये शिप रुकी हुई है यहाँ पर 4-5 घंटे के लिए, उसके ही लोग आए थे वहाँ पर वो सैंड बाथ में, और वापस बैठ के अभी ये जा रहे हैं मियाज़ाकी, और मैं जाऊँगा मियाज़ाकी कल या परसों। वो जो अभी जयपुरी लौंडे मिले थे ना वो ही बता रहा था, और एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे यार, उस पर ना रोटी वोटी और आलू के पराठे मिलते हैं, तो मेरा तो मन ललचा गया, मैं तो उस पर जा रहा हूँ मस्त। और दूर भी नहीं है ज़्यादा, 4 किलोमीटर की दूरी पर, सरपट भर पेट खा के फिर जाऊँगा होटल।